हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में, वो भी नए क्लास के लिए। तो चलिए आज से हम स्टार्ट कर देते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम न्यू फ्रेश बैच। रसगुल्लों आज से स्टार्ट हो रहा है और एकदम अपन बेसिक लेवल से लेकर के चलेंगे। कितना भी वीक स्टूडेंट हो, डोंट वरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। रसगुल्लों एकदम जीरो लेवल से हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर सॉल्यूशन विलयन, वो भी केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है विलयन। देखिए बहुत सारे बच्चे भी कहेंगे सर ठोस अवस्था कहाँ गया, तो जनाब ठोस अवस्था को यूपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा क्या किया गया है, उसे रिमूव कर दिया गया है टोटली। इसीलिए कहा है कि नया सिलेबस आ गया है, जाकर के देख लीजिए यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। पहले चैप्टर को हटा दिया गया है यानी ठोस अवस्था नहीं पढ़ना है। ठीक, हमने बताया भी था कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। चलिए डोंट वरी, हम एक दिन और वीडियो के माध्यम से हर एक चैप्टर को ही बता देंगे कि आपको बस यही पढ़ना है। पुरानी बुक्स होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां विलयन से। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। पहले यह दूसरा चैप्टर था लेकिन अब यह पहला चैप्टर बन जाता है। और साथ ही साथ बोर्ड ने की बार झटका पहले ही दे दिया है सिलेबस के नीचे। देखिए उसमें मासिक विभाजन के आधार पर सिलेबस बांटा है कि इस महीने में आपको ये पढ़ना है, इस महीने में ये पढ़ना है। और नीचे रसगुल्लों दे दिया है कि फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, यानी पहले ही क्या है झटका दे दिया है बच्चों को। इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, हाथ पर हाथ रखकर बैठिए मत। ठीक, चलिए समझ लेते हैं विलयन किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम है और काफी अच्छा चैप्टर है बच्चों। और इसमें अगर हम बात करें रसगुल्लों, तो ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा लेंदी है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भरे हुए हैं। ठीक, सारी चीजों को अपन एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले सब क्या करते हैं, जितने भी डेफिनेशन है, परिभाषा है, थ्योरी बेस्ड है, सारी चीजों को समझ लेते हैं, है ना। चलिए विलयन क्या है यानी सॉल्यूशन कहते किसे हैं। ठीक, तो एकदम ध्यान से समझना, दिमाग बिल्कुल मत भटकाना कि विलयन क्या है। मान लेते हैं बच्चों एक क्या है यहां पर कास्केट है ना, क्या है एक कोई डिब्बा है। और इस डिब्बे में, ठीक, इस डिब्बे में अभी हम मान लेते हैं कि दो घटक हैं। एक को अपन ए दर्शा देते हैं बच्चों और दूसरा क्या है बी है। ठीक ना, यानी इसमें, इस बर्तन में ए और बी दो घटक बोल लीजिए या दो अवयव बोल लीजिए या दो पदार्थ बोल लीजिए। ठीक, तो इसमें क्या है, मान लेते हैं कि दो अवयव हैं या दो घटक हैं। ठीक, और इन दोनों घटक का मान लेते हैं कि इनका जो है, ठीक, इनका जो मतलब संघटन है वो समान है। समान क्या, किस समान का मतलब क्या है बच्चों, कि जिसमें क्या कोई जो पदार्थ है दोनों में कुछ अंतर ना समझ में आए। ठीक, चलिए समझते हैं कि अंतर ना समझ के मतलब आप पहचान ही ना सको कि ए कौन सा है बी कौन सा है, किसमें, विलयन के अंदर। तो विलयन क्या है ध्यान से समझना, परिभाषा एकदम क्लियर की हो जाएगी बच्चों। देखिए दो या दो से अधिक, अपने यहां से दो ही माने हैं तो दो ही ले चलते हैं या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक, ठीक, घटक या अवयव के समांगी मिश्रण को, अभी वही चीज समझा रहे ना, इसमें इनका क्या है समान संघटन हो। ठीक है ना, ठीक, तो दो या दो से अधिक पदार्थों को कैसे लिखेंगे, दो या दो से, एकदम ध्यान से लिखते चलना बच्चों स्टार्टिंग से, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं रसगुल्लों, पूरा कवर कराएंगे। ठीक, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के, अधिक पदार्थों के या घटक या अवयव कुछ भी बोलिए, पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों, विलयन कहते हैं। ठीक, विलयन कहते हैं, है ना। आज इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि विलयन क्या है, विलय क्या है, विलायक क्या है। ठीक, क्योंकि सबसे पहले बच्चों आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो भाई पेड़ तो कोई भी झकझोर कर चला जाएगा, टहनी क्या पकड़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक, जड़ मजबूत होनी चाहिए, ये बेसिक, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो समझ में आ गया कि विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के
समांगी मिश्रण को, समांगी देखो समधन अंगी, समांगी सम का मतलब समान, अंग का मतलब अंग। तो वही चीज कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक घटक का क्या हो, समांगी मिश्रण हो तो बन जाता है विलयन। जैसे लाइक दैट, जैसे ये इसमें है बच्चों, हम मान लेते हैं कि इस विलयन में इसमें क्या है, आपने घोल दिया, इसमें घोल दिया आपने जैसे चीनी घोल दिया, ठीक, चीनी की मात्रा है और भाई आपने यहां पे पूरा क्या है, जल है, ठीक। तो जब यहां पर चीनी और जल दोनों का घोल बना दोगे तो क्या हो जाएगा, पता चलेगा बबुआ कि कहां पर चीनी है और कहां पर जल है। जल तो भाई वैसे देखने में तो लगेगा पूरा ही पूरा जल है, ठीक, लेकिन क्या करेंगे अगर पूरी तरह से विलयन बन जाएगा बच्चों, तो हम पानी और चीनी को तो अलग कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना, यानी उनका दोनों का जो क्या है संघटन होगा वो सेम हो जाएगा, नहीं समान हो जाएगा, अंतर नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो वही कह रहा है कि इनका जो मिश्रण होता है वो विलयन है। अब ऐसा तो नहीं रिश्तेदार घर पर पधार गए उसके बाद क्या है भाई, हाँ चलिए शरबत में चीनी की मात्रा ज्यादा हो गई और उसके बाद बोल लो कि अरे भाई चीनी ज्यादा हो गया, ठीक, शरबत में चीनी ज्यादा हो गया, एक चम्मच चीनी निकाल लो, पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, दोनों का घटक, मतलब दोनों घटक का जो संघटन होता है, ठीक, वो क्या हो, समान हो जाता है, पता ही नहीं चलता भाई चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है, ठीक। ऐसे ग्लूकोज का विलयन बना दीजिए या ऐसे आपने क्या है यूरिया का पूरा विलयन बना लिया है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, पता ही नहीं चलता है। तो वही चीज है, ठीक। तो ये हो गया विलयन, समझ में आ गया ना कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक। अब विलयन के बाद बच्चों, जब विलयन में उसके बाद दूसरी चीज हमें क्या देखना है कि विलेय क्या है, ठीक ना, विलेय क्या है यानी सोल्यूट क्या है, एक एक चीज को अच्छे से समझते चलना, क्योंकि बेसिक जरूरी है, उसके बाद कल से हम बढ़िया तरीके से जो भी आपके जो हेडिंग होगी उसको अच्छे से समझेंगे, है ना। तो देखिए विलेय क्या होता है, सोल्यूट किसे, अब देखिए आसान हो गया, तो विलयन में या समांगी मिश्रण में, ये समांगी मिश्रण है या कोई विलयन है बच्चों, समांगी मिश्रण में जिस घटक की मात्रा कम हो उसी को अपन क्या बोलेंगे रसगुल्लों, उसको कहेंगे विलेय, ठीक। विलयन में जिस भी घटक की या जिस पदार्थ या जिस अवयव की मात्रा कम हो बच्चों, उसी को बोलते हैं विलेय, ठीक। जैसे आपने ये क्या है, हमने बताया ना कि विलयन है, ठीक, आपने घोल तैयार किया, शरबत बना लिया है मजे में पीने के लिए, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो इसमें क्या है कि जैसे पानी की मात्रा ज्यादा होती है और चीनी की मात्रा कम, तो जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसी को क्या बोलेंगे रसगुल्लों, कहेंगे विलेय, ठीक है ना। अब ऐसा है नहीं एक लीटर पानी होगा और दो किलो आप चीनी डालेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक। एक लीटर पानी है तो उससे कम क्वांटिटी में चीनी डालेंगे तभी शरबत बनेगा, है ना। तो बस यही याद रखना है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसी को कहते हैं विलेय कहते हैं, ठीक। तो लिखेंगे बच्चों क्या लिखेंगे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, जिस पदार्थ की मात्रा कम हो, ठीक, कम हो उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं, ठीक। अच्छे से समझते चलना कि जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसी को विलेय कहते हैं, ठीक। लाइक दैट हमने बताया ना, जैसे चीनी है, नमक है, क्या कहते हैं यूरिया की मात्रा या फिर ग्लूकोज है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, यानी जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी बच्चों वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है रसगुल्लों विलायक, विलायक क्या होता है, ठीक, विलायक क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, समझिएगा अच्छे से इसको भी समझना। अब देखिए हमने क्या बताया कि जिस पदार्थ की मात्रा कम हो विलेय, अब इसमें क्या बताना है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, विलायक बोलेंगे, है ना, आसान मजेदार है रसगुल्लों, कहे का टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेना, मजे में पढ़ेंगे तभी चीजें आसान लगेगी, वरना भाई पढ़ाई एक बोझ की तरह लगेगी बहुत सारे बच्चे, इसीलिए आपको करियर बनाना रसगुल्लों, एकदम मजे में पढ़ना है, ठीक, वो भी हम आपके लिए फ्री में विदाउट एक रुपया रसगुल्लों क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, तो और आपको क्या चाहिए, ठीक, कुछ नहीं चाहिए ना, बस अपना पूरा का पूरा फोकस इसी पर करिए, दुनियादारी से कोई
मतलब रखिए, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया भाई क्या है, बहुत ही मतलबी है। आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो भाई यही काम देगा, है ना। शिक्षा शेरनी का वो दूध है रसगुल्लों, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो मेरे बब्बर शेर को दहाड़ना है, इसलिए भाई शिक्षा रूपी दूध को पीना पड़ेगा, ठीक। तो यहां पर विलायक में हमने क्या बताया कि विलयन में, ठीक, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, जिस पदार्थ की मात्रा क्या है, अधिक हो, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक, समझ में आ गया। जैसे ये हमने फिगर बनाया है, तो अब यहां पे हमने कहा कि जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। जैसे आपने शरबत बना लिया, हमने बताया चीनी की मात्रा कम है, चीनी विलेय हो गया। अब लेकिन पानी ज्यादा है ना, तो क्या हो गया? विलायक हो गया। समझ में आ गया बच्चों? जैसे इसमें हमने बताया कि चीनी और यहां पानी का घोल है, तो चीनी आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विलेय, ठीक, और जल क्या हो जाएगा? विलायक। समझ में आ गया ना, ठीक। तो ये हो गया। अब यहां से अगर हम समझना भी चाहेंगे कि विलयन क्या होता है, यानी विलयन क्या होता है, तो यही चीज भाई कि विलयन अगर समझना है तो विलयन बराबर क्या होगा? विलय प्लस विलायक, ठीक है ना, विलय प्लस विलायक। यही अपने को अच्छे से समझना है कि विलय प्लस विलायक, भाई जब विलय और विलायक दोनों मिल जाएंगे बच्चों, तब क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा विलयन, सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ में आ गया, ठीक। तो ये होता है कि विलयन क्या है, विलय क्या है, विलायक क्या है, ठीक। अब यहां से देखिए, विलय मतलब विलयन के गुण में बात करें तो विलयन के क्या गुण होते हैं, ध्यान से समझना, उसको लिखना नहीं है, बस समझना जरूरी है। तो गुण ये है कि विलयन में दो या दो से अधिक मतलब जितने भी घटक होते हैं सभी का संघटन समान होता। पहला गुण हमने क्या बताया, यही चीज कि विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का जो अवयव होता है वो समान होता है। दूसरा है, इन्हें किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि समांगी मिश्रण है। विसमांगी मिश्रण में मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक समांगी यानी जिसमें समान अंग हो अवयव का, विलय और विलायक दोनों का, और एक विसमांगी जिसमें समान ना हो, जैसे पानी और बालू का मिश्रण हो गया बच्चों। तो इसको अपन क्या है, अलग कर सकते हैं भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा। भाई पानी है, पानी को क्या है, आप पानी को पूरा बहा करके बालू बाद में शेष बच जाएगा, ठीक। तो इसको अपन अलग कर सकते हैं, जैसे भाई क्या है, बालू में कंक्रीट है यानी जो पत्थर थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो भाई जैसे घर वगैरह बनता है तो देखिए उसको जो झरना होता है ना उससे अलग कर लेते हैं बालू को, तो ये विसमांगी में चले जाते हैं, ठीक। तो उनमें क्या होता है कि भौतिक रासायनिक विधि द्वारा हम उन्हें अलग कर सकते हैं, लेकिन बच्चों यहां पर जो है, ठीक, ये समांगी मिश्रण होता है विलयन, इसलिए इसमें किसी भी विधि द्वारा इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ठीक। यहां पर तो समझ गए कि विलयन के गुण क्या है। पहला गुण यह है कि इसमें उपस्थित घटक का जो जो भी अवयव है उनका संघटन समान होता है। दूसरा, इन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। और तीसरा, इसमें जो विलय के कणों का आकार होता है वो लगभग 10^-7 से -8 सेंटीमीटर तक, ठीक। तो ये चीज हो गया, तो ये बेसिक जानना जरूरी है। आज ज्यादा नहीं देखेंगे, तबीयत भी ठीक नहीं है भैया, थोड़ा बुखार हो गया था, लेकिन फिर भी जरूरी है क्योंकि कल तो भाई इंटरनेट पूरी तरह से बंद था, इसीलिए कल वीडियो नहीं ला पाए। तो भाई कल परसों से प्रॉब्लम हो रही, तो आज ये क्लास ला रहे हैं। तो जितने आपके साथ में आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, भाई बहन, उनको ये वीडियो शेयर कर देना भाई, वो भी अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं तो स्टार्ट कर दें पढ़ाई, नहीं तो फिर से वही होगा कि फरवरी में एग्जाम लगा है और ऐसे में क्या होगा, आपके साथ ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, फिजिक्स के भी ऐसे लेकर चलेंगे, डोंट वरी। कल से हम ज्यादा इसको थोड़ा लंबा वीडियो लाएंगे, आज बेसिक था, ठीक। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।